बोलो दो नंबर बोलो। 16/4 16/4 भागा 18/6 माइनस 12/4 भागा 15/9 15/9 और है गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला जाएगा ना। अब देखो ये कट रहा 8 × 8 = 16 2 × 2 = 4 द्वितीया इसमें कट के कितना निकल दुक्का तो 3/2 कितना निकल जाएगा 1 माइनस। अब देखो 4 × 4 = 4 3 × 3 = 3 तो कितना हो जाएगा 3 × 9 = 5 इतना निकला क्या कहाँ पे 18 था तो 2 × 9 = 18 3 × 3 = 3 × 9 तो क्या बटे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/3 होगा ना माइनस 3 × 9 = 5 कितने लघुत्तम निकलेगा 5 × 3 = 15 3 × 5 = 15 तो 5 − 5 = 15 तो 9 × 3 = 27 होगा 27 में से 5 जाएगा कितना बचेगा −22 − 22/15 होगा आंसर इतना निकला है। चलो बोलो अगला 3 नंबर बोलो 15/9 गुना 12/18 प्लस 16/24 भागा 18/12 और है ये देखो ये गुना में है तो इसको पहले काट सकता है ठीक है ना 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 3 × 6 = 2 × 2 = 4 द्वितीया तो 5 × 2 = 10/9 हो जाएगा 10/9 प्लस इसको देखो अब बदलो 24 12 ऊपर जाएगा 18 नीचे आएगा 6 × 2 = 12 6 × 6 = 24 4 × 4 = 4 2 × 2 = 2 × 18 होगा ना यहाँ बचा 5 × 10/9 बचा है ना प्लस 2/9 होगा ना 9 को लघुत्तम 9 होगा 10 + 2 कितना हो जाएगा 10 × 2 = 12 आंसर हो गया पूर्णांक में भी निकाल सकता है। आगे बोलो 4 नंबर 10/4 प्लस 12/16 भागा 16/12 माइनस 11/4 सही है जी और है जी ना 12/16 गुना हो जाएगा तो ऊपर वाला नीचा नीचा वाला ऊपर सही है ना यहाँ 16 है यही थोड़ा ना कटेगा इधर उधर नहीं कटेगा। अब देखो 4 से देखो सब कट रहा 4 × 3 = 4 4 × 3 = 4 अब नहीं कट रहा है 10/4 हो जाएगा प्लस 3 × 3 = 4 − 11/4 लघुत्तम 16 निकलेगा ना 4 × 16 तो 10 × 4 = 40 16 × 16 = 9 होगा माइनस 4 × 16 तो अगर 44 40 × 9 कितने हो जाएगा 49 −44 कितने हो जाएगा 5/10 तो 5 × 5 5 × 2 = 1/2 आंसर होगा 49 − 44 जाएगा 5 बचेगा ना अब बटे में 16 यहाँ 16 है रे बोलेगा ना 16 है तो 16 है 16/5 ही रहेगा आंसर रहेगा ना 5/16 ही आंसर रहेगा हो गया ना। 5 नंबर है कितना बटा 40/50 भागा 30/25 गुना 2/4 प्लस 21/7
गुना 28 बटा 35 सही है ना। इक्कीस बटे 7 इसको यहीं भी काट सकता, नहीं तो आगे भी बढ़ा सकता। अब देखो काटो, ये देखो एक जीरो कट गया ऊपर नहीं चाहे तो। अब देखो 5 है ना, 5 का 5 5 25। अब देखो ये दोनों कट रहा 2 से, 2 दोनों 4 15 दोनों 5 का 5 5 दिया। अब देखो ये 2 से ये 4 कट रहा है, दुक्का 2 2 दूनी 4, फिर ये दुक्का 2 दुक्का 1 बटा 3 बचा है ना, प्लस ये देखो 7 का 7 7 चौका फिर 7 दिया 7 5 तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12 बटा 35 5 होगा ना, तो 3 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15 3 5 15 तो 1 5 5 5 का 5 तो 12 का 12 5 17 बटा 15 आंसर सही है। बोलो 6 नंबर 30 बटा 32 प्लस 18 बटा 16 8 18 बटा कितना 8 बटा 16 माइनस 12 बटा 16 12 बटा 16 भागा 24 बटा 48 24 बटा 48 सही है। सही से बताया हिंद साहब। अड़तालीस ऊपर जाएगा ना, 24 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ गुना है, यहाँ कटेगा ना, 16 16 सोलतिया 12 का 12 बढ़ दोनों, देखो ई वाला ई से रह जाएगा, रहेगा नहीं तो 30 बटे 32 प्लस 8 बटे 16 माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा, 32 लघुत्तम निकलेगा, निकलेगा ना जी, तो 32 निकल गया लघुत्तम। तो 32 के 32 30 के 16 दोनों 32 तो 8 दोनों 16 दोनों 32 तो 16 दिया 48, तो 30 16 कितना होगा 30 16 46 माइनस 48 बटा 32 होगा, बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा 32 होगा ना। ये काट भी सकता, दुक्का 2 16 दोनों बराबर माइनस 1 बटा हो जाएगा 16, 26 बटा 13 भागा 39 बटा 52 39 बटा 52 प्लस 11 बटा 4 भागा 88 बटा 16 88 88 बटा 16 और है तो 26 बटे 13 गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे प्लस 11 बटे 4 रहेगा, ये गुना में जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर ऊपर, तो डायरेक्ट ही कट रहा है। देखो 13 13 13 चौका फिर 13 दूना 26 13 तो कितना होगा 4 दूना 8 बटे 3 प्लस 4 का 4 4 चौका अगार का अगार अगार अठे चार का चार चार दूनी एक बटा कितना हो जाएगा 2 लघुत्तम 6 निकलेगा, 3 दोनों 6 तो 8 दोनों द्वितीय 6 तो 1 दिया 16 3 19 19 बटा 6 हो जाएगा आंसर। बोलो 9 नंबर 95 बटा 19 भागा कितना 57 बटा 38 माइनस 72 बटा 36 भागा 54 बटा 18 और है नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा माइनस 72 बटा 36 होगा ना, गुना में जाएगा तो 18 ऊपर 54 नीचे आएगा, कट रहा 19 का 19 19 दूनी
उन्नीस का उन्नीस उन्नीस दिया अठारह का अठारह अठारह दोनों अठारह चौका अठारतिया कितना बच गया दो बटे तीन रे इसमें बच गया दो बटे तीन माइनस और कटेगा ना रे दुकान दो दो ना कटेगा ना तो हो जाएगा दो बटे तीन तो हो जाएगा तीन लघुत्तम तो दो माइनस दो बराबर जीरो बटे तीन तो बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो में किसी भी संख्या से भागा देते हैं तो जीरो निकलता है समझ गया ना।